स्टॉप इट। श्वेता यहाँ आना। यस मैडम। डांस का मतलब सिर्फ पैर हिलाना नहीं होता, नृत्य के हिसाब से हाव भाव चेहरे पर दिखना जरूरी है। कृष्ण ने सत्यभामा को पहली बार देखा तो सत्यभामा के चेहरे पर शर्माना साफ दिखाई दे रहा था, तुम भी वही भाव करके दिखाओ। ये क्या श्वेता, तुम ठीक से शर्माना भी नहीं जानती? मैडम मुझे ये नहीं आता है। तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखना है, क्लास के बाद मुझसे आकर मिल लेना। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। डांस तो तुम ठीक ठाक कर लेती हो लेकिन चेहरे के हाव भाव ठीक से नहीं दिखा पाती। उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैडम? किसी विषय में अगर तुम्हें बात करनी हो तो जुबान से कहे बिना आंखों से बात कर सकती हो। अपने भाव को व्यक्त करो और उसे समझाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल गूंगों को तो देखो, वो भी तो बात नहीं करते लेकिन इशारों से सब कुछ कह डालते हैं। उनकी तरह तुम भी ट्राई करो, एक दिन तुम जरूर बड़ी डांसर बनोगी। क्यों बड़े भैया, आज आपका चेहरा फटे पोस्टर की तरह क्यों लग रहा है? ए, याद है उस दिन गूंगी लड़की के बारे में बताया था? याद है। वो सचमुच में गूंगी नहीं है बल्कि मुझे गूंगा समझती है। समझती तो समझ दे, तो इतनी सी बात के लिए इतना घबरा क्यों रहे भाई? मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके बारे में सोचकर डरता हूँ। किस लिए? मैं गांव का रहने वाला हूँ ना, फैशन नहीं जानता, इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे लड़कियों से दूर रहना चाहिए ये कहते रहते हैं मुझे। हाँ तो? इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो लड़की मेरी लवर है, अगर उन्हें सच बात का पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगे यार। हेलो। मैं क्या? आप नहीं, उनको। इनको क्या? ए, मैं ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, ये लड़की मुझे गूंगा समझती है, अब क्या करूं यार? अबे करना क्या है, ऊपर बुला लेते और उसके सामने तू थोड़ी देर के लिए गूंगा बन जा। ए, मैं फंस गया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है यार। सोनू तेरे दोस्त ऐसी लड़की को देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, अब तू जल्दी से नाटक शुरू कर दे। सुनिए, हर दिन ये दोनों गूंगी भाषा में बोलकर सर खाते हैं, अब इनके साथ तुम भी मिलकर बा 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 करो। वो ठीक से सुन तो सकता है लेकिन बात नहीं कर सकता है। सच में क्या? प्रॉमिस। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ये जगह ना मुझे बहुत पसंद आई, हर दिन इतने ऊपर आकर पेंटिंग करते हो। मेरी डांस क्लास यही पास में है, डांस क्लास के बाद मैं बोर हो जाती हूँ, इफ यू डोंट माइंड क्लास के बाद यहाँ आकर मैं टाइम पास कर सकती हूँ क्या? मान भी जा। नहीं, मैं आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अबे मान जा। वाओ, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। सोनू समझो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। समझो फॉर द टाइम बीइंग, अगर तुम्हें मेरे पास आकर आई लव यू कहना हो तो कैसे कहोगे? वाह वाह सोनू, किंग कॉन्ग फिल्म में गोरिल्ला कैसे करते हैं करके बताओ ना। स्टॉप इट, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम सब लोग मिलकर इन्हें क्यों सता रही हो? वो तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता, पता है ना? सोनू तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। एक शरीफ आदमी को सर्कस का एक जोकर समझ रखा है क्या तुमने? सुनो, तुम्हें टाइम पास करने के लिए यही मिला है क्या? हमें डांटकर तू क्या बोलना चाहती है? तू टाइम पास नहीं कर रही है, उसे मदद करने के बहाने तू भी तो टाइम पास कर रही है उसके साथ। ए चलो। श्वेता, ये है उस लड़की का नाम। पैदाइश परवरिश लॉस एंजेलिस सिटी, अमेरिका। उसके माता पिता वहीं के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। श्वेता अपने माता पिता के साथ अमेरिका से पहली बार इंडिया आई है।
वहाँ से इंडिया घूमने आई लड़की को भरतनाट्यम सीखना अच्छा लगा, इसलिए उसके किसी रिश्तेदार विठल राव के घर में रहकर डांस सीख रही है। सुन बे पेंटर, हम लोग तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई है। तुझे पता नहीं होगा, वो लड़की तुझे जानती भी नहीं है और 2 महीने से तू उसके साथ जॉगिंग करता है, उसके बालों में उंगलियां घुमाता है, हमसे झूठ बोलता था ना। अरे हम किसी लड़की को एक बार देख ले तो काफी होता है कि वो लड़की फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी है या नहीं, या फिर वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, एक मीटिंग में बता सकता हूँ। क्या सोच रहा है बे? यही सोच रहा होगा ना कि हमने कैसे पता लगा लिया। सुन ले, रात दिन हम लोगों ने मेहनत करके कई लड़कियों को और कई आंटियों को पटाकर उन्हें कब्जे में लिया, तब कहीं जाकर उन लोगों ने अपना मुंह खोला। हम तीनों मास्टरमाइंड है, तू अपना गांवटे दिमाग मत लगाना, समझा? ए, श्वेता जैसी लड़की कितने बॉयफ्रेंड होंगे जानता है? झूठ बोल रहे हो, श्वेता जैसी सुंदर लड़की ने मेरे साथ दोस्ती की है, इसलिए तुम लोग जलकर मुझे ऐसा कह रहे हो। ऐसा क्या, तुझे लगता है हम तुझसे जलकर बोल रहे हैं? सुन, वो लड़की गुंगी वुंगी नहीं है, बहुत बोलती है वो लड़की। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। धोखा नहीं देगी, इतना ज्यादा भरोसा है। अभी तुझे उस लड़की के बारे में बताता हूँ, चला मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, ISD कॉल करना है, गो टू फर्स्ट केबिन, थैंक यू। क्या हुआ, सुनते ही शॉक्ड हो गए ना? सुन लिया ना वो लड़की कहाँ फोन करने जा रही है, वो लड़की किस देश में कौन से बॉयफ्रेंड से कौन सी भाषा में बात करती है, सुनना है? सपना, वो लड़की कहाँ बात कर रही है, जरा उसका कनेक्शन देना। ठीक है, थर्ड केबिन में जाइए। जा भाई, जा ना, वो लड़की किससे बातें कर रही है सुन ले। गो डियर गो। डैडी, मैं बोल रही हूँ डैडी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं लंदन जाती तो ठीक होता। टेलीफोन हमेशा खराब रहते हैं, एवरीथिंग इज एडजस्टमेंट डैडी, और ऊपर से यहाँ के लड़कों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो उस बात का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, फौरन आई लव यू बोल देते हैं। इसीलिए किसी से बात करने से भी डर लगता है डैडी। बट वन थिंग डैडी। बट क्या है? कल मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिला। वो सच में अच्छा है। He is so nice, Daddy. I like him very much. संभल कर बेटी, कहीं वो तुम्हें I love you ना बोल दे। No, Daddy. बोलना चाहे भी तो बोल नहीं सकता। क्यों? Daddy, वो बेचारा गूंगा है। अभी से क्या हो गया यार? और क्या होगा? फोन पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस किया होगा और इसके कान में बम फट गया होगा। मुझे तो यहाँ सिर्फ उसी से फ्रेंडशिप करने को दिल करता है। ठीक है, टेक केयर। ओके डैडी, आई कॉल यू लेटर, बाय। बाय बेटा। क्यों बे, इंग्लिश फिल्म टाइटैनिक के हीरो की तरह अकड़ के क्यों आ रहा है? कौन से बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, पीटर के साथ या बिल क्लिंटन के साथ? उनमें से किसी से नहीं, अपने डैडी से बात कर रही थी। डैडी के साथ क्या बातें कर रही थी? हाँ, हम दोनों की शादी के बारे में डैडी से पूछ रही थी। हाँ, तेरे साथ? और क्या, शादी के बाद हम इंडिया में रहेंगे अमेरिका में, ये पूछ रही थी उनसे। उसके डैडी ने क्या कहा? कहा कि इस बारे में मुझसे डिस्कस करे। फिर उस लड़की ने क्या कहा? मुझसे डिस्कस करके कहा है कि अपने डैडी को बताएगी, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, लड़की से भी मिलना है। एक्सक्यूज मी, मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? जरा हट जाओ सामने से। ये तो बहुत आगे निकल गया है यार। टाइम यार, टाइम। उस लड़की ने इसमें क्या दिखाया जो किस पर मर रही है वो? मरने के लायक किसमें है ही क्या यार, हाथ में पेन का डब्बा और कान के ऊपर पेंसिल,